कम से कम 325 से 330 आतंकी उस इलाके में ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके 30 के करीब ट्रेनर वहां पर मौजूद थे। अगर प्रेसिजन बॉम्बिंग हुई है, अगर इस पूरे आतंक के ठिकाने को नष्ट किया गया है, तो इन सब ये शायद इनमें से कोई भी नहीं बचा होगा, ये हमारे सरकारी सूत्र बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ प्रेसिजन प्लानिंग, और तीसरा जो पाकिस्तान के में बैठे आतंकी आकाओं, ISI और सेना के मनोबल को तोड़ने वाला एक ऐसा कदम है जो आने वाले दिन में सारा इतिहास याद रखेगा। तो पाकिस्तान